बेटे को दे डाल रहे तब मेरे दे दे साहब आप पेट्रोल डालने का हुआ है भाई सबसे एक दो दिन से अफवाह चल रही है पूरी के पेट्रोल पंप 8 डेज बंद होने वाला है स्टॉप होने वाला है बोल के पता चल रहा तो वो हिसाब से पूरे लोग जा रहे तो हम भी गाड़ी में पेट्रोल अब चलना फिरना रोज का है हम लोग को पेट्रोल नहीं तो गाड़ियों में चलना फिरना है बोले आपको पेट्रोल बंद है सोशल मीडिया पे चल रहा है पूरा ये उसी मीडिया पे चला सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे हम लोग देखे हैं न्यूज़ वगैरह तो पता चल रहा है कि पेट्रोल पंप हम बंद रहेंगे और ऑलरेडी दूसरे स्टेट्स में देख रहे हैं हमारा राजस्थान वगैरह में पूरे पेट्रोल पंप ऑफ है पूरे बंद है पूरे पेट्रोल पंप शट डाउन है और पूरे पूरे हैदराबाद के पूरे पेट्रोल पंप्स का यही हाल है मैं अभी ऑलरेडी 1 आवर से ठहरे हुआ हूँ यहाँ पर 1 आवर से पेट्रोल के लिए ठहरे हुआ अभी नंबर आया है मेरा अभी अभी यहाँ पर लड़ रहे लोग हो जाती इन शाला पकड़ दो आयो पार्टी बोला भाई भवानी है मोहब्बत है बोला अहमद अहमद बोलते चले गए बोले से चले गए तो आगे आते झाड़ फोड़ देते बोला नहीं तो दे रहा तो आगे आओ ना Thank you.
पब्लिक कितने का दे दिया भाई, क्या हुआ भाई, ऐसा करके पूरे परेशान। सब जने बोले 3 दिन तक पेट्रोल पंप बंद हो जा रहा और 7 दिन तक भी बंद हो सकता, तो इसीलिए सब जने आके दला ले रहे हैं, उसमें मैं भी दला, इनके रेगुलर जाना रहता जॉब पे, इसीलिए भाई मेहरबानी कर डब्बों में नको डाल, गाड़ियों में डाल दिया, आधा घंटे से ठहरे हो। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम लोग इस वक्त फलकनुमा पैलेस के पास पेट्रोल पंप पे है और आप लोग देख सकते हैं कि कैसा सारा शहर और सारे लोग, और पीछे देख सकते हैं कैसे 1000-2000 लोग जो है पेट्रोल के लिए परेशान है। तो वही ये लोग जो है कामों से थके आ रहे अपने घरों को पहुंच के फिर एक और परेशानी में थके मारे फिर रहे हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा, डीजल ख़त्म हो रहा, पेट्रोल 8 दिन नहीं मिलेगा, 10 दिन नहीं मिलेगा। ये बीजेपी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है क्या भाई, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट हर तरीके से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई परेशान कर रही कर रही, अब ये एक नया कि कभी पहुँचे नहीं थे, कभी हम ख्याल नहीं कर रहे थे कि भाई ऐसी छोटी छोटी चीज़ के लिए परेशान करेंगे, अब आज पेट्रोल के लिए करे कल डीजल के लिए। अब हो सकता है अगर ये गवर्नमेंट बीजेपी की रही तो आने वाले वक्त में सांस के लिए लेने के लिए भी परेशान करेंगे, पीने के पानी के लिए भी परेशान करेंगे लोग, बिल्कुल जो है ना लोगों को परेशान कर दिए। लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सिटीजन्स, पेशेंट्स, लेडीज़, हर किसी को बिल्कुल जो है ना बहुत बुरा यहाँ पे ये काम करके बीजेपी के गवर्नमेंट की तरफ से, और देखिए पुलिस की तरफ से भी कोई यहाँ पे पब्लिक की हेल्प के लिए नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ में से कोई जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है कि पब्लिक करना क्या। पब्लिक बिल्कुल कंफ्यूज है, रूमर्स में पब्लिक जो है परेशान है कि अगर सब्र करना है तो गवर्नमेंट बोलना कि भाई आप लोग सब्र करो, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर अगर ऐसा सचमुच होने वाला है तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ मेजर्स लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पेट्रोल का अगर इन केस अगर बंद होगा भी तो ये स्टूडेंट्स पेट्रोल रोकने की वजह से हो रहा, और बीजेपी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर गल्फ कंट्रीज से ये लोग पैसे ले लो भाई, पैसे ले लो 500 रुपया।